तो दोस्तों आज की वीडियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होने वाली है। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियोज़ आगे मिलती रहें। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टर्म इज अप्लाई टू द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स व्हाइल ब्रीथिंग एट रेस्ट। ऑप्शन ए एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ऑप्शन बी इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ऑप्शन सी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन डी रेजिडुअल वॉल्यूम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम रेस्ट में होते हैं तो उस टाइम जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उस टाइम में जो एयर हमारे लंग्स में जाती है, यानी कि एयर का जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में जाता है उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी टाइडल वॉल्यूम। जब हम रेस्ट में होते हैं तो जो वॉल्यूम एयर का हम अंदर इनहेल करते हैं, जो एक्सहेल करते हैं, तो उस वॉल्यूम को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टर्म इज अप्लाइड टू द एक्सचेंज ऑफ डिसॉल्व गैसेज बिटवीन कैपिलरी ब्लड एंड ब्लड टिश्यूज। ऑप्शन ए इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी वेंटिलेशन, ऑप्शन सी सेलुलर रेस्पिरेशन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस टर्म को क्या बोला जाता है जिसमें कि कैपिलरी ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में डिसॉल्व गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनल रेस्पिरेशन। जब हमारे कैपिलरी ब्लड और ब्लड टिश्यूज़ के बीच में डिसॉल्व गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, बिटवीन विच टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स डज द लैरिंग्स लाई। ऑप्शन ए द नेयर्स एंड कोइना, ऑप्शन बी द एपिग्लॉटिस एंड द ट्रैकिया, ऑप्शन सी द कोइना एंड द ग्लॉटिस, ऑप्शन डी द ग्लॉटिस एंड द एपिग्लॉटिस। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन दो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में लैरिंग्स की पोजिशन होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी द एपिग्लॉटिस एंड द ट्रैकिया। दोस्तों लैरिंग्स एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे वोकल एपरेटस को सराउंड करता है और ये बना होता है एपिग्लॉटिस, थायरॉइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज से, और इसकी जो पोजीशन होती है वो ट्रैकिया के जस्ट टॉप पर होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द एपिग्लॉटिस एंड द ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 4, द गोल ऑफ रेस्पिरेशन इज टू कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन द ब्लड। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयंस एंड ATP। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रेस्पिरेशन का जो गोल होता है उसमें से किस ऑप्शन का कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करने में होता है जो कि हमारे ब्लड में डिजॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस। हमारा जो रेस्पिरेशन की जो एक्टिविटी है वो इन पर डिपेंड करती है, इन कॉन्सेंट्रेशन पर, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस पे। अगर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे होती है तो उसके हिसाब से हमारी जो रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटी है वो भी कम ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल सपोर्टेड बाई कार्टिलेज एक्सेप्ट वन ऑफ दैम, विच वन। ऑप्शन ए ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी ब्रोंकाई, ऑप्शन डी लैरिंग्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन से स्ट्रक्चर की जो वॉल होती है वो कार्टिलेज के द्वारा सपोर्टेड नहीं होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रोंक्योल्स। जो ब्रोंक्योल्स होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्टिलेज नहीं होता है, जबकि जो बाकी तीन ऑप्शन है यानी कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लैरिंग्स, इन तीनों में ही कार्टिलेज होता है इनकी वॉल्स में। तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ब्रोंक्योल्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ए गुड डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी टिश्यूज एंड कैपिलरी ब्लड, ऑप्शन बी वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स, ऑप्शन सी द प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड CO2 फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूजिंग O2, ऑप्शन डी द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनल रेस्पिरेशन की गुड डेफिनेशन इसमें से कौन सी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी टिश्यूज एंड कैपिलरी ब्लड। जब गैसेज का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी टिश्यूज में और कैपिलरी ब्लड में तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब गैसेज का एक्सचेंज होता है एल्विओली और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में तो उसको हम
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जब प्रोडक्शन होता है एटीपी का एंड CO2 का फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूजिंग O2, तो उस टाइप के हम रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है तीनों में। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट मे बी यूज टू डिफाइन ए ब्रोंक्योल? ऑप्शन ए, दे आर द एयरवेज दैट ब्रांच फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ऑप्शन बी, दे आर कैप्ट ओपन बाई सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ऑप्शन सी, दियर वॉल्स हैव सपोर्टिंग कार्टिलेज बिटवीन स्मूथ मसल। ऑप्शन डी, दियर वॉल्स कंटेन स्मूथ मसल बट नो कार्टिलेज। यह क्वेश्चन में पूछे गए कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट ब्रोंक्योल को डिफाइन करती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दियर वॉल्स कंटेन स्मूथ मसल बट नो कार्टिलेज। दोस्तों, हमारे एयर वे का जो ब्रोंक्योल होता है वो बाकी स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें कोई कार्टिलेज नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह पर एक स्मूथ मसल होती है जो कि इसको सपोर्ट करती है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दियर वॉल्स कंटेन स्मूथ मसल बट नो कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 8, वन स्टेटमेंट ब्लो अबाउट द लैरिंग्स इज करेक्ट, विच वन? ऑप्शन ए, इट हैज़ वॉल्स लाइंड विद सेलिएटेड सेल्स। ऑप्शन बी, इट हैज़ वॉल्स मेड ऑफ कार्टिलेज। ऑप्शन सी, इट हैज़ वॉल्स मेड ऑफ बोन। ऑप्शन डी, इट हैज़ वॉल्स मेड ऑफ मसल। यह क्वेश्चन ने पूछ गया है कि लैरिंग्स के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट हैज़ वॉल्स मेड ऑफ कार्टिलेज। दोस्तों, जो लैरिंग्स होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती हैं, ठीक है, यानी कि इसकी जो वॉल्स होती हैं सपोर्ट की जाती हैं कार्टिलेज के थ्रू। लैरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे वोकल एपरेटस को सराउंड करता है, और ये बना होता है थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज से। क्वेश्चन नंबर 9, विच मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन इज कैरिड बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन विद इन रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से किस मैकेनिज्म के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो लार्जेस्ट पोर्शन में हमारी बॉडी में सप्लाई होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन विद इन रेड ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि जो RBC होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है अपने साथ, और उसी के साथ हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि जो RBCs होती हैं ये हेल्प करती हैं हमारी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्ट्रक्चर्स कंस्टिट्यूट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? ऑप्शन ए, नोज फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ऑप्शन बी, लैरिंग्स एपिग्लोटिस एंड ब्रोंकाई। ऑप्शन सी, ट्रैकिया ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ऑप्शन सी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एल्विओली एंड प्लूरा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर्स है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को बनाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नोज फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। दोस्तों, जो हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो ऊपर का हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वो नोज फेरिंग्स और लैरिंग से मिलाकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट फंक्शन इज सर्व्ड बाय द गॉबलेट म्यूकस सेल्स ऑफ द ब्रोंकियल ट्री? ऑप्शन ए, दे ट्रैप स्मॉल इनहेल पार्टिकल्स। ऑप्शन बी, दे सिक्रेट म्यूकस ऑन टू द सर्फेस ऑफ द एयरवेज। ऑप्शन सी, दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज। ऑप्शन डी, दे मूव म्यूकस अप टू द ब्रोंकियल ट्री। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रोंकियल ट्री के जो म्यूकस और जो गॉबलेट सेल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दे सीक्रेट म्यूकस ऑन टू द सर्फेस ऑफ द एयरवेज। दोस्तों, जो ब्रोंकियल ट्री के जो म्यूकस और जो गॉबलेट सेल्स होते हैं उनका काम यही होता है कि जो एयरवेज का सर्फेस होता है वो उस पर म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जिससे कि जो कोई अगर हम छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो अगर इनहेल कर लेते हैं तो वो उसके सर्फेस पर चिपक सकें, जैसे कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो लंग्स में ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 12, द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स इन द ब्रेन स्टेम इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट इन रिस्पॉन्स टू विच स्टिमुलस? ऑप्शन ए, एन इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द CSF। ऑप्शन बी, एन इंक्रीज इन CO2 एंड एस पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन CSF। ऑप्शन सी, ए डिक्रीज इन O2 कॉन्सेंट्रेशन इन द CSF। ऑप्शन डी, ए डिक्रीज इन O2 कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड। दोस्तों, ये क्वेश्चन ने पूछा गया है कि हमारे ब्रेन में जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देते हैं। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एन इंक्रीज इन CO2 एंड एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन द CSF।
यहाँ पर CSF का मतलब है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन स्टेम में होता है। तो अगर CSF में CO2 और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसके स्टिमुलस में जो ब्रीदिंग रेट है हमारा वो भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन इज अप्लाइड टू। ऑप्शन ए एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स, ऑप्शन बी वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स बैकड ब्रीदिंग, ऑप्शन सी एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द बॉडी टिश्यूज, ऑप्शन डी द प्रोडक्शन ऑफ ATP इन द सेल्स। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो टर्म किस पर अप्लाइड होती है इस ऑप्शन में से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी द प्रोडक्शन ऑफ ATP इन द सेल्स। दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें कि ऑक्सीजन का यूज़ करके जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है और ATP का प्रोडक्शन होता है, और इस ATP का एज ए एनर्जी यूज़ किया जाता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज सेंसिटिव टू। ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन द CSF, ऑप्शन बी ए डिक्रीज इन O2 कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, ऑप्शन सी एन इंक्रीज इन एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, ऑप्शन डी ए डिक्रीज इन O2 कॉन्सेंट्रेशन इन द CSF। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो किस चीज़ से सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन द CSF। दोस्तों जब हमारे CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब एच पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है अगर बढ़ जाती है तो इसके रेस्पॉन्स में हमारा जो ब्रेन है वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द ब्लड डिक्रीज टू बिलो नॉर्मल। ऑप्शन ए pH ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस, ऑप्शन बी द ब्लड बिकम्स मोर एसिडिक, ऑप्शन सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन द ब्लड डिक्रीजेस, ऑप्शन डी pH डज नॉट चेंज। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होगा अगर हमारे जो ब्लड का जो CO2 है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल नॉर्मल से भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन द ब्लड डिक्रीजेस। दोस्तों हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि जो CO2 होता है वो वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि बाद में हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। तो अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम होगा तो हाइड्रोजन आयन्स का भी जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, और इससे ब्लड का जो pH है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए हेल्दी पर्सन विच ऑफ दिस लंग वॉल्यूम्स शुड बी द लार्जेस्ट। ऑप्शन ए टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन बी वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन सी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन डी रेजिडुअल वॉल्यूम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक हेल्दी पर्सन में इसमें से कौन सा लंग वॉल्यूम सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वाइटल कैपेसिटी। एक हेल्दी पर्सन में वाइटल कैपेसिटी सबसे लार्जेस्ट होनी चाहिए, और जो वाइटल कैपेसिटी होती है एक सम होता है ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस टाइडल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्ट्रक्चर्स कंप्राइज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऑप्शन ए फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया, ऑप्शन बी लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई, ऑप्शन सी नोज फेरिंग्स लैरिंग्स, ऑप्शन डी ट्रैकिया ब्रोंकाई एंड लंग्स। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बनाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्रैकिया ब्रोंकाई और लंग्स। हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो ट्रैकिया ब्रोंकाई और लंग्स से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कीमोरिसेप्टर्स इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा आर सेंसिटिव टू। ऑप्शन ए इंक्रीज इन ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट, ऑप्शन बी इंक्रीज इन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इंक्रीज इन ब्लड pH, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी कि ब्रेन में जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। दोस्तों हमारे ब्रेन में जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट दोनों के लिए ही सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ब्लड में जब इन दोनों का कंटेंट ऊपर नीचे होता है तो हमारे जो ब्रेन में जो कीमोरिसेप्टर्स हैं वो उसके हिसाब से हमारी जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है उसको कम ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स हैज़ नो कार्टिलेज इन इट। ऑप्शन ए एपिग्लोटिस, ऑप्शन बी ट्रेकिया, ऑप्शन सी ब्रोंकाई, ऑप्शन डी एल्वियोलाई। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर में कार्टिलेज नहीं होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई होते हैं वो स्क्वैमस एपिथेलियम के सिंगल लेयर से बने होते हैं और इसमें कोई कार्टिलेज नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डज द एक्चुअल गैस एक्सचेंज बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज अकर? ऑप्शन ए ब्रोंकाई, ऑप्शन बी ब्रोंक्योल्स, ऑप्शन सी एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हम एयर इनहेल करते हैं यानी कि जो इंस्पायर करते हैं और जो ब्लड होता है हमारी कैपिलरीज में, उन दोनों में एक्चुअल गैस एक्सचेंज कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। दोस्तों जो हम जो एयर अंदर लेते हैं यानी कि जो इंस्पायर्ड एयर होती है हमारी और जो हमारा ब्लड होता है कैपिलरीज में, इन दोनों के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विद रिस्पेक्ट टू द एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन ए रिलैक्स स्मूथ मसल रिजल्टिंग डायलेशन ऑफ द एयरवेज, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल रिजल्टिंग कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवेज, ऑप्शन सी रिलैक्स स्मूथ मसल रिजल्टिंग इन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवेज, ऑप्शन डी हैव नो इफेक्ट ऑन द ब्रोंक्योल्स। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रिलैक्स स्मूथ मसल्स रिजल्टिंग इन डायलेशन ऑफ द एयरवेज। दोस्तों जो एड्रेनलिन और जो नॉन एड्रेनलिन हैं ये दोनों हार्मोन होते हैं और ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स होती हैं उसको रिलैक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो एयरवेज है वो खुल जाता है और इसमें वेंटिलेशन अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द? ऑप्शन ए लैरिंग्स, ऑप्शन बी ब्रोंक्योल्स, ऑप्शन सी एल्वियोलाई, ऑप्शन डी प्लूरा। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस एक्सचेंज इनमें से किस स्ट्रक्चर में होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कि गैस एक्सचेंज होता है। दोस्तों यहाँ पर गैस एक्सचेंज का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जाती है और हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स में जाता है, तो इसको गैस एक्सचेंज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द वॉल्स ऑफ द ट्रैकिया आर हेल्ड ओपन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए नर्व इम्पल्सेस, ऑप्शन बी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ऑप्शन सी फाइन बोन्स, ऑप्शन डी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रैकिया की जो वॉल्स होती हैं वो इसमें से किस चीज़ के द्वारा हेल्ड की जाती हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। दोस्तों हमारे ट्रैकिया की जो वॉल्स होती है उसमें कार्टिलेज की बनी सी शेप्ड रिंग्स होती हैं जो कि हमारे ट्रैकिया को ओपन रखती हैं और रिजिड रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ? ऑप्शन ए काउंटर करंट एक्सचेंज, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पंप। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को किस प्रोसेस के थ्रू क्रॉस करती हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन है वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस हैं वो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए मॉलिक्यूल दैट इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग नॉर्मल लंग स्ट्रक्चर इज? ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी पेरोक्सिडेज, ऑप्शन डी सर्फेक्टेंट। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि लंग के नॉर्मल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्फेक्टेंट। जो सर्फेक्टेंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लंग के नॉर्मल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द मेन मसल्स इन्वॉल्व इन नॉर्मल रेस्पिरेशन? ऑप्शन ए मसल्स ऑफ द नेक, ऑप्शन बी एब्डोमिनल मसल्स, ऑप्शन सी इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन डी इंटरकोस्टल्स एंड द डायफ्राम। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में इसमें से कौन सी मेन मसल्स जो कि हैं वो इन्वॉल्व होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इंटरकोस्टल्स एंड द डायफ्राम। जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें इंटरकोस्टल्स मसल्स और डायफ्राम का यूज़ होता है। जब हम कोई डीप रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें नेक मसल्स का यूज़ होता है। और जब हम कोई फोर्सफुली जो एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि हम एयर बाहर निकालते हैं तो उसमें हमारी एब्डोमिनल मसल्स का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट कॉल्ड? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी स्पीड, ऑप्शन सी पल्मोनरी इंडेक्स, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट उसको बोला जाता है जब हम एक मिनट में कितनी ब्रीथ लेते हैं, उस रेट को रेस्पिरेटरी रेट बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28, विच मेम्ब्रेन सराउंड्स द लंग्स? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी द प्लूरा, ऑप्शन सी द मीडियास्टिनम, ऑप्शन डी द डायफ्राम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी जो मेम्ब्रेन होती है वो लंग को सराउंड करती है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी द प्लूरा। जो प्लूरा होती है वो लंग्स को सराउंड करती है। उसकी आउटर लेयर को पैरेटल लेयर बोला जाता है और उसकी इनर लेयर को विसरल लेयर बोला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।